किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ट्रैक्टर रैली के माध्यम से विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुए। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने मोदी सरकार को तानाशाह और सीएम शिवराज को डरा हुआ मुख्यमंत्री बताया। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले। इस दौरान वे खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा तानाशाह बताया। उन्होंने कहा, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की वाजिब मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान कानून बदलने की मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं बदल रहे। उन्होंने सीएम शिवराज को भी डरा हुआ मुख्यमंत्री बताया। क्या बात साथी, किसान लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे निकल पड़ा है। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। एक महीने से किसान दिल्ली की चारों तरफ की सड़कों पे ठंड में बैठा है, लेकिन अतताई सरकार है नरेंद्र मोदी की, एक तानाशाह की सरकार है नरेंद्र मोदी से बड़ा तानाशाह हिंदुस्तान में नहीं हुआ। किसानों की वाजिब मांगों को मानने को तैयार नहीं है। काले कानून लेके आया, 3 कृषि काले कानून। किसान बोल रहा है कि कानून में फेर बदल करिए, कानून बदल दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी चूँकि तानाशाह है इसलिए वो किसानों की बात नहीं सुन रहा। हम उनके समर्थन में, देखिए एक डरा हुआ मुख्यमंत्री इस प्रदेश में, उसका नाम है शिवराज चौहान। पहलवान ट्रैक्टर बैलगाड़ी तांगा सब बैन कर दिया है 5 किलोमीटर दूर विधानसभा के। आज सुबह से सैकड़ों ट्रैक्टर गिरफ्तार करें जो भोपाल की तरफ आ रहे थे कार्यकर्ता लेके, तमाम जगह मैं जानता हूं, हमें भी गिरफ्तार करेंगे हमारे ट्रैक्टरों को, पर हम तैयार हैं। किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे, किसानों की लड़ाई जब तक रहेगी किसानों के हित में हम बोलते रहेंगे। ट्रैक्टर रैली निकाल जहां कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है, तो वहीं इस रैली ने सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सीहोर।